कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार नायब सैनी ने काफी गांव का दौरा किया, जिसमें खरिंडवा, छपरी, सुदपुर, हरिपुर सभी गांव में जाकर जनसभा को संबोधित किया। आज पूरे का पूरा देश मोदी मोदी कह रहा है। मैं लगभग पिछले 5-6 दिनों से कुरुक्षेत्र लोकसभा में काम कर रहा हूं। एक तरफ जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है और जनता का कहना कि हम मोदी जी को वोट देंगे और देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाएंगे, और कहा कि मुझे भी कहीं मुकाबला दिखाई नहीं देता। काफी लोग तो मैदान छोड़कर यूं ही भाग गए हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का काम किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर देश को तोड़ने वाली बात कही। आज पूरे का पूरा देश कांग्रेस से विमुख है और उनके कार्यक्रम के अंदर भी जनता जाना पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, वह जनता के बीच तैयार किया गया। उनके सुझाव लेकर उनके अनुरूप मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जो देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। परंतु कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो अपने परिवार के बीच में बैठकर तैयार किया, जिसमें देश तोड़ने की बात कही गई। मुकाबला किस पार्टी से रहेगा इन लोकसभा चुनावों में? देखिए, आज पूरा का पूरा देश, देश का हर व्यक्ति मोदी मोदी कर रहा है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ। एक तरफा जनसैलाब उमड़ करके जनता का आ रहा है और हर व्यक्ति एक बात ही बोल रहा है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुझे तो मुकाबला कहीं दिखाई नहीं देता। काफ़ी लोग तो मैदान छोड़ करके ही भाग गए, कहने लगे कि हम स्टार प्रचार की भूमिका अदा करेंगे। मुकाबला किससे कहें, मुकाबला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। देश को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का काम किया, बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस ने किए हैं, और कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर देश को तोड़ने वाली बात कही, आज पूरा का पूरा देश उससे विमुख हुआ है और उनके कार्यक्रमों के अंदर भी वो जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी मैनिफेस्टो के अंदर बातें उन्होंने कही हैं, देश को तोड़ने वाली बातें कही हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, वो मैनिफेस्टो देश की 130 जनता के बीच में जा कर के उनसे सुझाव लेकर के उनके अनुरूप मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जो देश को मजबूती प्रदान करेगा, देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। परंतु कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो परिवार के अंदर बैठ करके बनाया और उसमें ऐसे जो बातें लिखी गई से देश को भी नुकसान होता है। परंतु मेरे ख्याल से मुकाबला दिखाई नहीं देता, कोई मैदान में आने के लिए तैयार नहीं। हमारे शाहबाद से राज्य मंत्री कृष्ण जी और क्षेत्र से इनकी तरफ से काम किए गए, मगर सांसद राजकुमार के द्वारा दोनों ही क्षेत्रों की अपेक्षा की गई, तो इसके बारे में आप कहते हैं कि अगर संसद में आपको चुनके भेजती है तो शाहबाद के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, जैसा मैंने मन से भी कहा है, पिछले के विषय के बारे में तो मैं जानता नहीं, क्योंकि ये साथ में रहे हैं, और मैं तो दोनों के दो हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, बहुत ही लोकप्रिय ये मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, और इन्होंने अपने क्षेत्र का हर गली गांव का जो विकास किया है उसकी चर्चा स्वयं गांव के लोग करते हैं, और उसी कड़ी के अंदर हमारे थानेश्वर के विधायक ने जो विकास किया है उसकी चर्चा करते हैं। इनको विकास पुरुष के नाम की संज्ञा लोग अपने क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं, और यहाँ से जनता जो चुन करके भेजेगी तो दोनों के साथ मिल करके, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी क्षेत्र की प्रमुख मांगे होंगी जनता की तरफ से आएंगी, उन मांगों को प्राथमिकता के आधार पर इनके साथ मिलकर के पूरा करने का कार्य करेगी।